महापर्व छठ पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर लोगों ने पारंपरिक तरीके से छठ पूजा की। 3 दिवसीय इस महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने अस्तगामी सूर्यदेव को अर्घ देकर पूजा की। इस मौके पर छठी मैया और सूर्यदेव की पूरे विधि विधान के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्तगामी सूर्य को गंगा जल और दूध का अर्पण कर श्रद्धालु और व्रती महिलाएं अपने घर परिवार के सुख और शांति की कामना करती हैं। अगले दिन उदय होते ही सूर्य को अर्घ प्रदान कर इस महापर्व का समापन किया जाता है। डाला छठ के अवसर पर सभी जगह आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं ने गंगा तट पर पारंपरिक तरीके से ईख सूप दौरा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। गंगा घाटों नदियों तालाबों और घरों पर पूरे देश में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। इस मौके पर जहाँ व्रती महिलाओं के बीच उत्साह आस्था नजर आई, वहीं इस महापर्व को लेकर किसी भी दुर्घटना के मद्देनजर प्रशासनिक व्यापक बंदोबस्त भी किए गए थे। होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजीपुर।